आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनावी तैयारी में लग गए हैं और इसी कड़ी के तहत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शनिवार को राजनांदगांव पहुंचे और राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, जिसके कारण ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नजर आ रही है। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। 4 विधानसभाओं की बैठक हम लोगों ने खैरागढ़ में संपन्न की और अभी 4 विधानसभा उनकी बैठक राजनांदगांव में है, डोंगरगांव, कुर्सी, मानपुर मोहला और राजनांदगांव। इन बैठकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सक्षम समर्पित कार्यकर्ता, जिनका कार्य विभाजन हुआ है, अपने कार्य के प्रति उनको उत्तरदायित्व के साथ पूरा कार्यभार सौंपा जा रहा है। वो आगे अपने आने वाले चुनाव तक पूरी तरीके से उन सारे कार्यों को संपादित करेंगे। भाजपा के बहुत सशक्त संगठन में ये बहुत अच्छी पद्धति है। कार्य विभाजन एक बार हो जाता है फिर पलट के देखने की